चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। लेक्चर शुरू करेंगे। जो लास्ट क्लास में हम अटके थे वो था धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, उसको हमने सामान्य रूप से ऐसा समझा है कि धर्मास्तिकाय का उपयोग एक ही धर्मास्तिकाय है जो 14 राजलोक प्रमाण है, और इसके जो भी अणु फिर देश और प्रदेश, ऐसे तीन भाग बनेंगे। अणु यानी ही देश, प्रदेश और स्कंद, ये तीन ही विभाग बनते हैं। उसका परमाणु जो चौथा विभाग है वो धर्मास्तिकाय का कभी नहीं होता, और धर्मास्तिकाय आपको एक परमाणु के जितना कभी भी नहीं मिल सकता। अब धर्मास्तिकाय के लिए एक और भी बात हमें जाननी है कि जो 14 राजलोक में जो भरा हुआ है उसको कहाँ कहाँ ये स्पर्श ना करता है, ये बात बहुत महत्व की है। अब 14 राजलोक में पूरे के पूरे 14 राजलोक में ये अगर भरा हुआ होगा तो भी वो कहाँ से उत्कृष्ट रूप से जघन्य से कितने धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, यहाँ आपको ये ध्यान लेना है, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, क्योंकि हमें धर्मास्तिकाय के तीन विभाग बताए। देखिए मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। जैसे कि एक लड्डू, एक बूंदी का लड्डू पूरा स्कंद हुआ, बराबर। बहुत सारी बूंदी में से बहुत सारे लड्डू बनाया तो एक लड्डू एक स्कंद हुआ। अब वो धर्मास्तिकाय कैसा है, तो पूरी की पूरी जितनी भी बूंदी बने उसका पूरा एक बड़ा लड्डू। धर्मास्तिकाय तो एक ही है ना, 14 राजलोक प्रमाण एक ही है, तो जितनी भी बूंदी है सबका वो एक स्कंद हुआ। हाँ, तो अब हमारे सामने ऐसी बात है कि धर्मास्तिकाय जितनी भी बूंदी है उसका पूरा एक लड्डू प्रमाण है, तो 14 राजलोक प्रमाण धर्मास्तिकाय एक पूरा स्कंद हुआ। ठीक है, अब वो स्कंद में से डिवीजन करना है, कैसे करना है। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश लड्डू है, वो पूरा स्कंद है, उसमें से एक चौथाई भाग आप निकालो। आप एक चौथाई भाग निकालोगे तो वो होगा एक, क्या हुआ अभी, देश नहीं प्रदेश, हाँ देश हुआ, एक भाग हुआ। भाग का मतलब देश, जैसे कि पूरा भारत में से आप एक राज्य निकालोगे तो वो उसका देश हुआ। 6 खंड में से भारत एक देश हुआ। अब उसमें से आप ऐसा छोटा टुकड़ा निकालो जिसके हम दो भाग न कर पाए, जिसके हम दो भाग ना कर पाए, ऐसा एक भाग, उसको आप क्या कहोगे। अब उसके दो भाग नहीं कर सकते हो आप दो भाग नहीं कर सकते, जिसके दो टुकड़े नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा प्रमाण हो गया परमाणु, बराबर। अब ऐसे दो परमाणु इकट्ठा करोगे तो एक अणु बनेगा, क्या बनेगा, वो अणु ही प्रदेश है। अब समझ में आया। अब मैं फिर से जा रही हूं, एक बड़ा स्कंद है उसमें से एक टुकड़ा निकाला वो देश हुआ, देश में से एक टुकड़ा निकाला, इसके हम दो भाग कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। दो भाग हो सकता है मगर हम करेंगे नहीं, तो ये प्रदेश हुआ धर्मास्तिकाय का प्रदेश। क्लियर हुआ। देखो परमाणु ऐसा है जो इसके दो टुकड़े हो ही नहीं सकते, वो हो गया परमाणु, लेकिन जिसके दो भाग हो सकते हैं वो तो प्रदेश हुआ ना। हाँ, तो धर्मास्तिकाय प्रदेश में आके अटक जाएगा, धर्मास्तिकाय कभी भी परमाणु में नहीं जाएगा। क्लियर हुआ ये। बाकी सारे आकाश, कालास्तिका, ये सबके देश प्रदेश, कंध देश प्रदेश परमाणु चार विभाग बनेंगे, लेकिन धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सिर्फ स्कंद देश और प्रदेश पे ही अटक जाएगा। ओके, तो आपको प्रदेश को सूक्ष्म जानना है, धर्मास्तिकाय में प्रदेश को सूक्ष्म जानना है। धर्मास्तिकाय के जघन्य से 3 और उत्कृष्ट से 6 प्रदेश को स्पर्शता है। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश
धर्मास्तिकाय के जघन्य से तीन तथा उत्कृष्ट छह प्रदेशों को स्पर्शता है। आओ, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश उत्कृष्ट कितने धर्मास्तिकाय से स्पर्शित है आपको ऐसे किस ऐसे कैसे समझना है पता है? बूंदी के लड्डू के अंदर एक उसकी ये छोटी सी प्रदेश जितनी कणी, अब इसके तो दो भाग नहीं होने वाले, लेकिन वो प्रदेश हुआ ना, सबसे छोटा हुआ ना, कणी में से भी छोटा टुकड़ा, अब इससे छोटा नहीं होने वाला, वो छोटा टुकड़ा कणी के अंदर कितनी जगह से स्पर्शित है, कितनी दिशा से स्पर्शित है? बद्दी दिशा। हाँ, वेरी गुड। तो छे की छे दिशा कितनी उत्कृष्ट से? उत्कृष्ट से छे दिशा, जगन्य से तीन दिशा। कैसे कैसे? अब सबसे ऊपर वो कणी है तो ऊपर की सारी दिशा निकल गई, ऊपर की सारी दिशा निकल गई। अगर त्रिकोण में है, त्रिकोण में है तो खाली तीन ही दिशा होगी। और सबके बीच में है तो चार दिशा, ऊर्ध्व और अधो छह दिशा हो गई, वो छह के छह तरफ से सभी दिशा से वो कवरेज है। तो उत्कृष्ट से छह दिशा, अब छह दिशा में विदिशा एक भी नहीं ली है, हाँ इसमें खाली दिशा ली है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और अधो ऐसे छह दिशा उत्कृष्ट से और जघन्य से तीन दिशा। समझ में आया अभी? अब आप ये समझो कि अगर हम धर्मास्तिकाय में से एक कण ले रहे हैं तो हम कैसे ले रहे हैं? जैसे बूंदी के कण में से एक कण निकाली, बूंदी की एक कड़ी में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया, एक प्रदेश निकाला। समझ में आया? उसका उपयोग करके वापस रख दिया, क्योंकि हम उसको खाने वाले या कुछ खत्म तो कर नहीं सकते, उसको अजीब है ये, हाँ या ना? मैं ये रेडियो अजीव है, इसका उपयोग ही करूंगी ना, इसको खत्म तो कर नहीं सकती, नहीं तो इसका उपयोग करके वापस रख दूंगी। बराबर? हाँ, आओ आगे जाएंगे। तो छह उत्कृष्ट से छह प्रदेशों को स्पर्शित है, जघन्य से तीन। कैसे? तो जब लोकांत पे आए, त्रिकोण के कोने का भाग, लोकांत पे जब एंड के ऊपर अगर कोई जीव है और वो धर्मासिकाय वहीं पे रह के धर्मासिकाय का उपयोग करेगा तो त्रिकोणा हो गया ना, एंड पे है तो त्रिकोणा बन गया। तो त्रिकोण में तो खाली तीन ही दिशा, त्रिकोण के कोने पर स्थित धर्मासिकाय के एक ऊपर का बराबर और दो नीचे के भाग त्रिकोण में, ऐसे तीन प्रदेश को ही स्पर्श ना करेगा ना। हाँ, जहां पर ये कोण नहीं होता है वहां चार दिशा में से चार प्रदेश भाग, अगर जहां पे कोण नहीं है तो वहां चार दिशा में से चार प्रदेश का उपयोग कर पाएगा, मतलब तीन हुआ, चार हुआ, फिर पांच हुआ, फिर छह हुआ। बराबर? बराबर। अभी भी और मैं आगे पढ़ रही हूं, इसको आपको समझ में आ जाएगा। एक ऊपर के और दो नीचे के भाग, ऐसे तीन ही भाग की स्पर्शना होती है। जहां पर ये कोण नहीं होता है, कोण त्रिकोण नहीं है तो चार दिशा हो गई, तो चार दिशा और एक ऊपर एक नीचे तो छह हो गई, टोटल छह दिशा, तो छह प्रदेश भाग की स्पर्शना होगी। अब वो धर्मासिकाय, वो जीव छह जगह धर्मासिकाय को स्पर्शित होके बैठा है। बराबर ना? हाँ, आओ। धर्मासिकाय का एक प्रदेश अधर्मासिकाय के जघन्य से चार और उत्कृष्ट से सात प्रदेश को स्पर्शता है। अब धर्मासिकाय का एक ही प्रदेश अधर्मासिकाय के कितने जघन्य से कम चार और उत्कृष्ट से सात प्रदेशों को स्पर्शित करता है। कैसे? क्योंकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के प्रदेश की तरह वो तीन और छह तो होते ही है, जैसे आपने जघन्य तीन देखा, उत्कृष्ट छह देखा, वो तो होते ही होते, पर जहां धर्मास्तिकाय का प्रदेश है वहां अधर्मास्तिकाय भी है, इसलिए उसका एक भाग ज्यादा हुआ। समझ में आया? धर्मास्तिकाय तो वहीं पे है ही,
देखो अधर्मासिकाय का उपयोग आएगा ना, देखो फिर से ये बात बहुत ही महत्व की है, ध्यान दो, अधर्मासिकाय की बात आएगी ना तो उसको चलते चलते रुकना पड़ेगा। रुकने की बात तब आएगी जब आप चल रहे हो, मैंने पहले भी ये बताया था, याद है? इसलिए अजीव कभी भी धर्मासिकाय का उपयोग नहीं करते, इसलिए सिद्धगति के जीव कभी भी धर्मासिकाय का उपयोग नहीं करते, क्योंकि धर्मासिकाय का उपयोग कर रहे हो तो ही अधर्मासिकाय का उपयोग आएगा, नहीं तो नहीं। सिद्ध के जीव स्थिर बैठे हैं, धर्मासिका का ही उपयोग नहीं कर रहे, अधर्मासिका का उपयोग कहां से करेंगे बताओ? आप चल रहे हो तो रुकोगे, आप तैर रहे हो तो रुकोगे, आप सो रहे हो तो उठोगे, उठे ही हो आप, जगे ही हो आप, स्थिर ही हो, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो अगर आप अधर्मासिकाय का उपयोग कर रहे हो तो पहले धर्मासिकाय का करोगे फिर अधर्मासिकाय का करोगे, समझ में आया? क्लियर हुआ ये? हाँ, इसीलिए जब अधर्मासिकाय का उपयोग होगा तो धर्मासिकाय का एक उपयोग तो मानना ही मानना है, बराबर? हाँ, इसलिए जघन्य से चार और उत्कृष्ट से सात प्रदेश को स्पर्शता है। आओ, क्योंकि अधर्मासिकाय के प्रदेश की तरह वो तीन और छह तो भाग है ही, पर वह धर्मासिकाय का प्रदेश है, वहां पे अधर्मासिकाय भी है, इसीलिए उसका एक भाग ज्यादा हुआ। धर्मासिकाय का एक प्रदेश भाग आकाशास्त्री काय के सात प्रदेशों को स्पर्शित करता है। लोकांत पर भी आकाश स्थित होने से यहाँ जगन्य का प्रयोग नहीं होता, यहाँ जगन्य बात नहीं आएगी, क्योंकि लोकांत में भी आकाश तो है ही। तो जब भी धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश आकाशास्तिकाय को जब स्पर्शना की बात आएगी तो सीधा साथ ही आएगा, छह दिशा, छह की छह दिशा आ गई और एक उसका जगन्य से सात मानना है उसको, क्योंकि लोकांत तो है ही नहीं, लोकांत में भी आकाश तो है ही, तो उसका भी एक आकाश गिना जाएगा। अलोकाकाश तो है ना, तो उसको भी गिना जाएगा। आकाशास्त्री काय में लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों आता है। आकाशास्त्री हाँ, छह दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व दिशा जो नाम बोलू छू, सांभो, छह दिशा का मैं नाम बोल रही, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, अधो दिशा और ऊर्ध्व दिशा। अच्छा, एक ऊपर और एक नीचे। यस यस, चार विदिशा इसमें नहीं आएगी। हाँ, चार विदिशा दिशा के ही भाग है, दो दिशा का मध्य भाग। अब आपने सारी दिशा ले ली तो चार में ही आपके आठ आठ आ गई। आपको जहां भी छह दिशा का शब्द आए आपको सबकी सब दसों दिशा मान लेंगे, ठीक है? हाँ, कहीं कहीं दसों दिशा का भी उल्लेख होता है, पर जब भी छह आएगी आप सब मान लोगे। आओ, अब आकाशास्तिकाय का भी समझ में आ गया, क्योंकि लोकांत में भी आकाश है तो वो जो अलोकाकाश है उसकी भी एक स्पर्शना, छह दिशा तो छह दिशा की हो गई, बराबर? पर लोकांत का आकाश भी तो गिनना पड़ेगा, इसीलिए सात उनके आकाश प्रदेश के साथ सात प्रदेश की स्पर्शना आएगी। लोकांत पर भी आकाश स्थित होने से वहां जगन्य का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहां जगन्य तो आएगा ही नहीं, जगन्य तीन आकाश तो आ ही नहीं सकता। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश भाग जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेशों से स्पर्शित होता है। चलो अब जीवास्तिकाय की बात करेंगे। जीवास्तिकाय के शरीर में कितने प्रदेश है बताओ? जीवास्तिकाय मतलब हमारा शरीर, आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा, शरीर वाली आत्मा, कितने प्रदेश है? यस, बराबर काश्मीरा, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। मैंने पहले भी बोला था, मैं यही जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को याद आ जाए, बहुत अच्छा। आत्मा के सारे संपूर्ण एक जीवात्मा के
प्रदेश 14 राज लोक प्रमाण है। मैंने पहले भी ये बताया था, हमारे जब भी आत्मा जब भी केवली समुद्घात करती है तो 14 राज लोक में अपना शरीर दंडाकार फैलाती, जैसे एक एक थैली के अंदर जगह, दूसरी थैली, तीसरी थैली, चौथी थैली, पांचवी थैली, थैली के अंदर थैली, थैली के अंदर थैली, ऐसे ही आत्मा के भी प्रदेश है। जो जैसे कि आकाश, आकाश में भी आप रुई का एक इतना बड़ा बंच लो और एक चीज को छुपाओ तो कितनी कितनी जगह वो चीज चली जाएगी, बहुत जगह वो छुप सकती है। ये तो चीज है, वो तो रुई है, आकाश में तो एक ही छोटे से भाग में अनंत चीज छुप सकती है, कितने अनंत। तो प्रदेश तो बहुत ही छोटा हो गया ना, कि जिसके दो भाग नहीं हो सकते वही प्रदेश ना। आत्मा के प्रदेश भाग का मतलब क्या हुआ, कि आत्मा का ऐसा सूक्ष्म भाग कि अब इसके दो भाग नहीं हो सकते। तो इतना छोटा जो प्रदेश भाग है, तो इतनी बड़ी हमारी आत्मा या आत्मा, अब आत्मा जब वैक्रिय रूप जैसे वो जैसे समुद्घात करेगी तो वो कितना बड़ा अपना शरीर फैलाएगी, 14 राजलोक भ्रमण। तो हमारे आत्मा के प्रदेश ही 14 राजलोक भ्रमण हो गए, आप इसको कभी नहीं भूलना। आत्मा की अनंत शक्तियां 14 राजलोक प्रमाण हमारे प्रदेश है, उसके सारे के सारे प्रदेश कर्म से ढके हुए। हम तो हम आप अगर ये सोच रहे हो ना कि जैसे मैं 5 फुट की हूँ, हमारे शरीर का 2/3 भाग कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 फुट, 3.5 फुट बराबर। हाँ। तो क्या हमारे खाली 3-3.5 फुट की ही आत्मा है और उतने ही प्रदेश कर्म से ढके हुए है? नहीं। हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो 14 राजलोक प्रमाण उसके प्रदेश है, तो इतने ही 3 फुट आत्मा के अंदर उसके प्रदेश तो 14 राजलोक प्रमाण हो गए कि नहीं। हाँ। तो सारे के सारे प्रदेश ढके हुए हैं, तभी तो हम यहाँ घूम रहे ना। कॉम्पैक्ट वर्जन है। हाँ, मतलब हमारी चाहे इतनी चींटी की इतनी छोटी आत्मा होगी, उसके शरीर से भी 2/3 चींटी है भी इतनी, उसमें से भी 2/3 लो, तो इतना छोटा उसका अंदर के अंदर का जो आत्मा का शरीर जो हम बोलेंगे वो इतना सूक्ष्म इतना छोटा होगा, वो भी 14 राजलोक प्रमाण अंदर 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 उसके प्रदेश भाग है। बोलो। क्योंकि ये शरीर अपने आप संकुचित होता है, बड़ा होता है, आप ये यहां ध्यान दो। जैसे आकाश प्रदेश है वैसे ही आत्मा का प्रदेश, आत्मा के प्रदेश संकुचित भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। एक माँ के गर्भ में अंदर घुस के वो अपनी जगह इतने से छोटे से ड्रॉप के अंदर से वो अपनी जगह बनाना शुरू कर लेता है। समझ में आया? आओ चलो। अधर्मास्ती काय भी है, आओ आगे। आकाशास्ती काय की, अरे जीवास्ती काय की बात की थी, धर्मास्ती काय का एक प्रदेश भाग जीवास्ती काय के अनंत प्रदेशों से स्पर्शित है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब जीवास्ती काय, मतलब हम जब धर्मास्ती काय का प्रयोग करते हैं तो हम अपने आत्मा के सर्व प्रदेशों से धर्मास्ती काय का उपयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर मुझे चलना है तो खाली पैर ही काम धर्मास्ती काय का उपयोग कर रहे हैं क्या? पूरा बॉडी हिलता बाद में है, पहले आपको उठ के खड़ा होना है, चलना है, ये कौन सोचता है ये बताओ? दिमाग। तो दिमाग की सोच आपने धर्मास्ती काय में देख लिया, मन वचन काया के उपयोग तीनों आ गए। तो मुझे पानी के लिए पीने के लिए उठना है, खड़ा होना है, तो मैं मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है, ये भी तो उसका एक भाग हुआ। तो ये सोचना धर्मास्ती काय के बगैर पॉसिबल है? क्योंकि मन के पुद्गल, विचार के पुद्गल, ये सारे शब्द के पुद्गल, अगर मैं ना उठूं, मैं किसी को आवाज दूं भाई मुझे पानी चाहिए पानी दो, तो ये सब धर्मास्ती काय के उपयोग के बगैर संभव है? नहीं। फिर मैं पानी पीऊं और वो मेरे शरीर में जाए तो मेरे शरीर का एक भी प्रदेश उसका उपयोग नहीं करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो असंख्य कितने प्रदेश बोले है यहां? असंख्य। वो जीवास्ती काय के धर्मास्ती काय का एक प्रदेश जीवास्ती काय के असंख्य भाग को प्रदेश को स्पर्शता है। बराबर बराबर बराबर। क्योंकि हम तो वो एक प्रदेश से ज्यादा उसका उपयोग करेंगे भी नहीं,
हम एक प्रदेश से ज्यादा उपयोग करते भी नहीं, हम पूरी लीफ का तो प्रयोग ही नहीं करते। अगर पूरी लीफ मैं ले लूंगी तो दूसरे को तो अंदर जाना ही नहीं मिलेगा। अब यहां पे ही महत्व की बात आ गई कि जब मैं लकड़ी लेके चलूं, अगर मैं लकड़ी को धर्मस्थिकाय बोलूं तो संभव है? क्योंकि लकड़ी का उपयोग मैं अकेली कर रही हूं, लकड़ी पूरी मेरे हाथ में है, अगर तब आपको चाहिए नहीं मिल सकती। लीफ के अंदर मैं हूं या मेरे साथ 5 व्यक्ति है या 10 व्यक्ति है तो तब लाखों लोगों को वो लीफ का उपयोग नहीं मिलेगा। लेकिन धर्मास्तिकाय का तो मैं एक ही प्रदेश उपयोग में ले रही हूं, मेरे असंख्य आत्म प्रदेश मिलके भी, जीवास्तिकाय के असंख्य प्रदेश मिलके भी धर्मास्तिकाय का सिर्फ एक प्रदेश उपयोग में लेते हैं, एक प्रदेश। अब 14 राजलोक में से एक प्रदेश मतलब कितना हुआ? हमारे मुकाबले चींटी जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि धर्मास्तिका यही कारण है कि सभी जीव एक साथ भी धर्मास्तिका का उपयोग करें ना, तब भी धर्मास्तिका का उपयोग सब लोग कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। सब लोग एक एक प्रदेश लेंगे और धर्मास्तिका 14 लाख राजलोक प्रमाण तो है ही, तो 14 राजलोक के सभी जीव उसका उपयोग करें तो भी एक ही प्रदेश लेंगे, तो 14 राजलोक से ज्यादा तो प्रदेश वैसे भी नहीं लेने वाले। अब धर्मासिकाय कितना इजी हो गया बोलो आज के बाद। आज आपने ये बात जानी कि धर्मासिकाय का हम तो सिर्फ एक ही प्रदेश उपयोग में ले रहे, इससे ज्यादा तो ले ही नहीं रहे। हम एक प्रदेश उपयोग में ले लेंगे, हमारा सोच भी शुरू हो जाएगी, दिमाग भी चालू हो जाएगा, बोलना भी चालू हो जाएगा, पैर भी चाल चलना चालू हो जाएगा, सब चीज एक साथ में हो जाएगी। इतनी एनर्जी, अब धर्मासिका एनर्जी है या क्या है ये बताओ। चलो एनर्जी है, करंट ही है। मोबाइल बिना इलेक्ट्रिक करंट के नहीं चलता है ना, चलेगा। तो हमारी सोच तक, हमारा दिमाग तक बिना धर्म सिखाए नहीं चल सकता, बोलो। अब ये मोबाइल जितना जरूरी है। चार्ज कर तू रेवानू, बिंदु बिंदु क्लास अटेंड करी ने। यही चार्जर है धर्मास्तिकाय प्रत्येक जीव के लिए। क्या हुआ? चार्जर। अच्छा, सांस भी लेते हो ना बिना धर्मास्तिकाय? नहीं, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, वो भी बिना धर्म से काय नहीं। हाँ, सब आ गया धर्मासी काय के उपयोग में, ये सब आ गया। मन वचन काया के उपयोग, श्वासोच्छ्वास, शब्द, सब आ गया ना। अंधकार, स्पर्श, पुद्गल, पुद्गल के जब भी जो भी 10 के 10 प्रभाव है, सब आ गई इसमें। धर्मासी काय के बगैर कुछ नहीं है। और ये सब एक ही प्रदेश उपयोग करते हैं तब सारा असंख्य जीवास्तिकाय उसका उपयोग कर सकता है, खाली एक प्रदेश से ही। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश भाग जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेशों से स्पर्शित है, अनंत अनंत। अब जीवास्तिकाय टोटल टोटल के टोटल हमारे आत्मा के प्रदेश है ही अनंत, तो हमारे सभी आत्मा के प्रदेश अगर धर्मास्तिकाय का उपयोग करेंगे तो सिर्फ एक प्रदेश का, सिर्फ एक प्रदेश। समझ में आया अभी? चलो आगे जाओ, कोई प्रश्न है तो बोलो। बहुत बहुत बढ़िया बात चल रही है अभी आपको। अभी है ना, इससे एक बात तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आपको, मुझे तो, मैं तो फील कर रही हूं, लेकिन आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि संसार की हर चीज के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ना हम सोच सकते, ना हम बोल सकते, ना कुछ काम कर सकते। आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। संसार की हवा में पड़ी ये सारी चीजें से ही ये सारी क्रिया हो रही है, बोलो। और हम मानते हैं जब जैसे सब मैंने किया, कुछ नहीं किया। हम ये भी तो मानते हैं ना। जीवास्तिकाय है ना यहाँ पे, जीवास्तिकाय के लिए ही ये धर्मास्तिकाय बनाया हुआ है। अगर ये संसार में जीव कर्म के साथ
जीवास्तिकाय मतलब संसारी संसरण करने वाले जीव नहीं होते ना, तो धर्मास्तिकाय की जरूरत ही नहीं है। जहां सिद्ध के जीव है ना, वहां कोई धर्मास्तिकाय नहीं। सिद्ध के जीव को आपकी चिंता, आप हम बोलते हैं ना भगवान देख रहे हैं सब, भगवान मेरी मदद में आएंगे, वो वहां देख रहे हैं, वो देख भी नहीं सकते, वहां धर्मस्थिका ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त बैठे। फिर भी रोज भगवान को बुलाते हैं। हम बच्चे हैं ना पागल, हमको नहीं पता है ना कि हमको यहाँ से कौन बचाएगा। हमको नहीं पता है, जिस दिन मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमको यहाँ से हमको खुद को ही बचना है, तब आप ये भूल जाओगे। है ना, जिस दिन मालूम पड़ गया कि आपको खुद को ही बचना है, आप खुद ही भगवान बन जाओ तो आप बच जाओगे, तब आप ये सब छोड़ दोगे। मोक्ष पे जाने के लिए मुझे पायलट बनना पड़ेगा। अरे देखो, यहाँ महत्व की बात यहाँ आ रही है, हमारे लिए सारे नियम, भगवान की पूजा करो, नहाओ, उसको पक्षाल करो, ये करो, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, नहीं करोगे तो जैन धर्म नहीं मिलेगा, नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, बराबर? हाँ। बराबर। महात्माओं को कोई चीज है ये इसमें से एक भी क्रिया? बोलो, नहीं, ये एक भी क्रिया क्यों है? क्यों नहीं है बताओ? जीव हिंसा नहीं करना है, मतलब ये हो गया कि हमारे लिए जीव हिंसा की चीज दी गई है। अगर आप ये सोचोगे तो ये मत सोचो कि उनको जीव हिंसा इसलिए नहीं करना, आप अभी भी गलत सोच रहे। अगर आप ये सोचोगे कि महात्माओं को जीव हिंसा नहीं करनी है इसीलिए भगवान की पूजा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूजा में जीव हिंसा है तो हमको क्यों करनी चाहिए? मतलब ये मुद्दा ही नहीं है, हमारे दिमाग में बात ही गलत डाली गई। अब बताओ कि महात्मा को भगवान की पूजा विधि क्यों नहीं करनी चाहिए? बोलो। पंचमावृतधारी है तो क्या हो गया? क्या हो गया? अगर मैं भी सासू बन गई तो मेरी सासू का और मेरा स्टेज तो सिमिलर ही हो गया ना, अगर मैं भी सासू बन गई तो, और मेरे सासू की सासू भी, मेरी भी सासू आगे बैठी है, तो कोई फर्क पड़ा उससे? नहीं, नहीं। तो पंचमावृतधारी बन गए तो क्या उनको हरिहर की पूजा नहीं करनी? क्या कारण हो सकता है, सोचा है? हाँ, कर्म की निर्जरा तो भगवान की पूजा से ज्यादा ही होने वाली। हम बोलते हैं, सुनो, हम बोलते हैं भगवान के मंदिर दर्शन करने से 10 सागरोपम के नारकी के पाप नष्ट हो जाएंगे, बराबर? पूजा करने से 1,00,000 सागरोपम के नष्ट हो जाएंगे, तो फिर उनको क्यों पूजा नहीं? उनको पाप नष्ट नहीं करने, उनको भी तो करने है ना। अब जो चीज से, भगवान की पूजा से आप इंद्र बन सकते हो, अगले अगले भव में बहुत अच्छी सी चीजें मिल सकती है, पुण्य बढ़ सकता है, ये सब हो सकता है, तो उनको ये क्यों नहीं? पुण्य नहीं वधारना है, ये बात है, पुण्य नहीं बढ़ाना है, लेकिन भगवान की पूजा आपको पुण्य, मतलब ये हो गया ना, ये तो एक ड्यूटी हो गई। देखो, जैसे हमारी ड्यूटी, हमसे तो उनकी ड्यूटी ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ। हमारे और भगवान के बीच के रास्ता, ये लोग बीच में तो खड़े ही हैं हमारे और भगवान के। हाँ। हमसे तो 10 स्टेप ऊपर ही है, ये बात सही है, बराबर? बराबर। तो वो भी टुवर्ड्स गॉड ही है ना, भगवान ही है ना। तो भगवान की पूजा उनको क्यों छोड़ देनी है, ये तो सोचो, ये सोचने जैसी बात। अब अच्छा, जब वो हमारी जगह थे तब तो वो पूजा करते थे, उनको करनी थी। हाँ। तो वहां पहुंचने से पहले ही क्यों छोड़ा दिया? पता नहीं। बोलो। अच्छा, वासक्षेप पूजा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो तो कर सकते। हाँ, पर पूजा क्यों नहीं? पूजा क्यों नहीं?
अच्छा इतना पानी तो वो यूज करते ही होंगे ना कहीं ना कहीं तो पूरे दिन में ना 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 एक बात नु ध्यान दो, एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात ये है इसमें, सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमसे कुछ स्टेप ऊपर चढ़ चुके हैं, वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब वो सोच पे आ गए कि अब ये मोक्ष जाने के लिए भगवान जो सहारा थे ना, जब हमारे लिए देखो नीचे छोटे बच्चों के लिए सहारा होते ना माँ बाप, अब वो बड़े हो गए तो अब वो खुद जिम्मेदार हो गए तो माँ बाप को सहारा मानेंगे अब नहीं। सहारा नहीं मानेंगे, उनको एक आइडल मानेंगे लेकिन सहारा मानेंगे बताओ नहीं। ऐसे ही जब वो हमारे स्टेज पे थे तब उनको सहारा मानते, आज हम लोग सहारा मान रहे भगवान को कि भगवान तारो तेरा ही सहारा है तो हमको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। ये लोग बराबर बीच के ऐसे स्टेज में पहुंच चुके हैं जहाँ से वो देख पा रहे हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे, वो देख पा रहे हैं कि अब आगे भगवान कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है मेरी आत्मा को करना है। अब मेरी आत्मा मुझे प्रयास करना है, वो वहां से जाके भगवान की पूजा सेवा, भगवान को जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, लेकिन उनकी सेवा पूजा जो प्रैक्टिकल है वो सब छोड़ दी, चैत्य वंदन करेंगे, देव वंदन करेंगे, वो सब करेंगे वो, लेकिन वो ऐसे स्टेज पे हैं, वो वहां जाके ऐसे स्टेज पे हैं कि मुझे मेरे पर लगे कर्मों को एक झटके से हटाना, हमारी तरह नहीं धीरे 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 धीरे, रोज की सवा वीसा दया ऐसे नहीं, सीधी 20% ऊपर आ गए अब वो। हाँ क्या, अब वो इतनी कर्म निर्जरा पर पहुंच चुके हैं, वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे उनको पता है ध्यान की, ये ध्यान की है ना भूमिका होती है, ये ध्यान की चार भूमिका जो आपको चार अगर मालूम हो तो पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये चार ध्यान की अवस्था है। पदस्थ ध्यान किसके लिए, हम लोगों के लिए, नौकार मंत्र का पद गिनो माला गिनो है कि नहीं ध्यान ये, और परमात्मा के पद की पूजा करो, हम किसकी पूजा करते हैं, उनके तीर्थंकर पद की पूजा करते हैं, इसलिए मूर्ति की पूजा है। पिंडस्थ, अब वो है नहीं, अभी भगवान है नहीं, शरीर से है नहीं, इसलिए उनकी पिंड बनाया, क्या बनाया हमने, मूर्ति बनाई और पिंडस्थ पूजा। तो पदस्थ पिंडस्थ हमारे लिए, रूपस्थ मतलब, रूपस्थ मतलब परमात्मा के रूप, अब हमारे में बचपन का रूप पूजा करने के लिए होता है क्या, इमेजिनेशन में भी कौन सा रूप, बचपन का, बचपन का नहीं ना, उनके दीक्षा का है ना, पंच महाव्रत का है और मूर्ति है, दो चीज है, या एक केवली भगवंत है और पंच दूसरे छद्मस्थ भगवंत, ये दो रूप हुए। तो जो केवली का रूप है वो अभी महात्मा ने लिया नहीं है, छद्मस्थ तो वो रूप में तो है ही, समझ में आ रहा है ये बात, उनको कौन से रूपस्थ की पूजा करनी है, छद्मस्थ के रूप की वो पूजा करेंगे, वो तो वो खुद है ना, हाँ या ना। अब जो वो खुद है, मैं जो हूं उसी की मैं पूजा कर सकती हूं, मैं नहीं कर सकती नहीं। जो रूप में मैं हूं मैं उसकी पूजा नहीं कर सकती, नहीं तो मैं मरी ही पूजा कर रही हूं। वो रूपातीत पूजा करनी है उनको, जो बिल्कुल रूप ही नहीं है, वो ऐसे भगवान की पूजा करते हैं। आपने कभी उनके भगवान देखे हैं, वो पोटली में बांधे हुए, उनके आचार्य जी किसी ने देखा है क्या, नहीं। पड़ी लेन करते हैं ना, तो जो पोटली में ना चार शंख और कोड़ा होते हैं, अगर आप देखोगे ना
तो ना उसमें जैसे हमारे स्थापनाचार्य कैसे है, नौकार और पंचिंद्रिय लिखे है ना, क्योंकि पदस्थ है, अभी हम नीचे है सबसे पहले पे, हमारे लिए सामायिक करोगे तो पदस्थ ही आएगा, नौकार का पद, लोगस का पद, लेकिन उनके स्थापनाचार्य में ये कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी वो रूपातीत, मतलब जिसका रूप ही नहीं है, वो ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके। वो कौन से ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके? वो रूपातीत, रूपातीत, जहां भगवान का रूप नहीं है, और यहां उनको मालूम है कि मेरे कर्म को सिर्फ मैं हटा सकता हूं और कोई। बराबर। हाँ, रखना तो है ही उनको, क्योंकि पढ़ी लेन बड़ी लेन विधि करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। वो आचार्य जी है, प्रतिमा जी तो रखने लग, प्रतिमा जी रखना और पूजा नहीं करना दो चीज अलग है। आप कहीं भी प्रतिमा जी रखो तो आपको पूजा करनी पड़ेगी। बराबर बराबर, वो पूजा नहीं करते। आप देखो, प्रतिमा जी रखेंगे ना तो भी नहीं करे। और जब वो हमारे लिए, जब किसी भी प्रतिमा जी को अंजन छलाका करेंगे ना, अगर उनको अंजन छलाका करनी है तो उस दिन उनको नहाना पड़ेगा, रेशमी कपड़े पहनने पड़ेंगे श्रावक की तरह। क्यों? ध्यान दो। क्यों? क्योंकि वो जो अभी रूपातीत अवस्था में है ना, वो अवस्था में से उनको वापस पदस्थ पे आना पड़ेगा, तभी वो मूर्ति को अंजन छला का पूजा सब कर सकते हैं। समझ, क्लियर हो रहा है अभी मेरी बात? तो हम लोग है बाल मंदिर के स्टेज पे, इसीलिए हमारे लिए पूजा, सेवा, दर्शन, चैत्य वंदन, भगवान के सामने नैवेद्य, फल सब है, उनको ये कुछ नहीं है। उनको कोई चावल वावल को छूना नहीं, कोई साथिया नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे और भगवान के बीच के स्टेज पर पहुंच चुके, वो भगवान के पंच महाव्रत तक वो पहुंच चुके हैं। अब वो भगवान ने दीक्षा ली और इन्होंने दीक्षा ली, दोनों समकक्ष में आ गए, आ गए। अब उनको तीर्थंकर होना बाकी है, और अब उनको पता चल गया है कि जैसे भगवान अपने आप तीर्थंकर बने, अपने आप उन्होंने कर्म क्षय किया, वैसे भी हमें भी अपने आप ही करना है। हम लोग नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि भगवान नहीं आने वाले आपको, आपके कर्म को घटाने के लिए। क्लियर हुआ? यही यही बात से आप सिद्ध क्षेत्र को जानोगे। अब हमारी बात यहीं से शुरू हुई थी। हम बोल देते भगवान आओ हमें मदद करो, हमें क्यों परेशानी हो रही है, आप हमें परेशानी से बाहर निकालो। हम बोलते हैं ना कि तू तो त्यां जी ने बैसी गयो, तुम्हारी सामने जो तो भी नहीं, आपने शू बोलिए स्तवन में, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे। भगवान वरदान नहीं आपे तमने, तू ज्या बसे जा त्यां मने स्थान आप। भगवान ने आपवो, भगवान तो तमारा दोस्त है। भगवान तो के चलो बद्दा ज आवी जाओ, सभी जीव करू शासन रसी वाला भगवान कोई पण जीव ने पोतानी जग्या स्थान ना आपे एवं बने नहीं, नहीं, छता ये बधाने बोलावी शके छे। बोलो, अने तो आपणे बोलीए भगवान तू मने एक वरदान आप, अने तू मने, तू ज वरदान आप, वरदान भी तू जा, अने तू मने सीधो त्यां लई जा, पण मारे कोई मेहनत करवी नथी। बोलो, समझायुं हवे? केम सिद्ध गतिमां धर्मास्तिकाय नथी? बोलो, अबे सिद्ध गति में धर्मास्तिकाय नहीं है तो समझ पड़ी गई बद्दाने? आपको समझ में आ गया सिद्ध गति में धर्मास्तिकाय नहीं है? अब आप बोलोगे भगवान तू आ नीचे, मेरे को बाहर निकाल, मेरे पे दया कर, बोलोगे आप? वो तो बोलेंगे। क्यों, अभी बाल मंदिर में ही बैठना है? हाँ, भगवान को ये बोलना है भाई कर्म क्षय खत्म करवाओ, मुझे आप उतनी शक्ति दो कि मैं मेरे कर्म क्षय खत्म कर सकूं, बस, और कुछ नहीं बोलना, और कुछ नहीं। आपको ये बोलना है कि जैसे तेरे अंदर करुणा के रस की भावना आई, ऐसे मेरे अंदर भी आए,
भगवान कुछ नहीं करने वाला है, हाँ उसके लिए भी नहीं करने वाला है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ धर्मासिका है ही नहीं, वो वहाँ देखते ही नहीं है कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है, मेरा भगत क्या कर रहा है, उसको नहीं पता है। भगत मुझे बुला रहा है, उनको पता नहीं, उनको नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। उन्होंने इसीलिए धर्म वो छोड़ के गए, इसीलिए केवली भगवान हमेशा केवल ज्ञान के बाद धर्म की प्ररूपणा करते हैं, केवली होने के बाद ही करते हैं, ताकि आपको पता चले केवली धर्म क्या है। और आपको धर्म बता दिया है, आपको इतने सारे आगम दे दिए हैं, अब आप पढ़ो और आप ये जानो कि यहाँ से निकलने का रास्ता कैसा है, वो बता के चले गए, बस चलना तो आपको खुद को है। क्लियर हुआ आज? धर्मासिकाए वहां क्यों नहीं है? अगर होता तो भगवान रोज नीचे आते, हम लोग भी बुलाते, आओ बुलाते कि नहीं बताओ, बुलाते कि नहीं बताओ। पहला जी ने बुला, हाँ पहला जी ने बुला। चलो ठीक छे, क्लियर थयू? आओ धर्मासी काय है तो आप जा सकते हो, अब आपको जाना ही नहीं है तो धर्मासी काय की जरूरत ही नहीं। आओ धर्मासिकाय का एक प्रदेश पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों से स्पर्शित होता है। अब जीव के अनंत प्रदेश आ गए तो पुद्गल के भी अनंत ही आएंगे ना। हाँ जीव पुद्गल के अंदर ही तो रह रहा है, ठीक है। चलो धर्मासिकाय का एक प्रदेश कालद्धा के समयों से, नहीं एक मिनट, काल अध्या के समयों से लोक की अपेक्षा से कदाचित स्पर्शता है और अलोक की अपेक्षा से कदाचित नहीं भी स्पर्शता। काल अध्या ये सारा समय लोक में है, अलोक में नहीं है, बराबर बराबर। तो लोक की अपेक्षा से स्पर्शित करता है, क्यारेक स्पर्शे क्यारेक ना स्पर्शे, अने अलोक की अपेक्षा से पण कदाचित स्पर्शी न पण करे। क्यों? क्योंकि लोक में काल मात्र अरिद्वीप में ही व्याप्त है, अरिद्वीप के बाहर काल नहीं है। समझ में आया क्यों ऐसे ऐसी डबल बात क्यों की? क्योंकि काल अरिद्वीप में है, अरिद्वीप के बाहर नहीं है, तो यहां दोनों चीज आनी चाहिए ना। हाँ स्पर्शित होगा भी और नहीं भी होगा, जहां काल है वहां होगा और जहां काल नहीं है वहां नहीं होगा। मगर काल वहां नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवहार काल नहीं है, निश्चय काल तो है ही, निश्चय काल तो है ही, तो उस हिसाब से काल तो उसको वहां माना ही जाएगा, ठीक है। जब वो स्पर्शित होता है तब वह अनंत समय उसे स्पर्शित होता है, क्योंकि वो काल तो अनादि अनंत है, इसलिए इसीलिए उसे अनंत समय की स्पर्शना करनी पड़ती है। वर्तमान समय विशिष्ट अनंत द्रव्यो ही अनंत समय कहे गए। आओ धर्मासिकाय अब अधर्मासिकाय की बात की, बोलो धर्मासिकाय के लिए कोई क्वेश्चन है, कुछ दिमाग में प्रश्न आया हो तो बोल दो। आया है? नहीं, चलो अभी आगे जाएंगे। तो अधर्मासिकाय के प्रदेश भी काल के प्रदेश से इसी प्रकार से स्पर्शित होते हैं। अधर्मासिकाय के जैसे होंगे वैसे ही अधर्मासिकाय के भी होंगे। इसीलिए उसका प्रदेश भाग का विवरण भी ऐसे ही होगा, जैसे आपने धर्मासिकाय का जाना ऐसे अधर्मासिकाय का भी जान लेना है। आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मासिकाय के प्रदेशों से लोक की अपेक्षा से कदाचित स्पर्शित है, कदाचित अलोक की अपेक्षा से कदाचित स्पर्शित नहीं। अब आकाशास्तिकाय की बात की, आकाशास्तिकाय देखो ध्यान दो, 14 राजलोक में आकाशास्तिकाय है, 14 राजलोक में धर्मास्तिकाय है, तो दोनों ने सेम प्रदेशों को स्पर्शित किया हुआ है, और अलोक में तो है ही नहीं धर्मास्तिकाय, तो अलोक ने तो आकाश को सिर्फ बॉर्डर से ही स्पर्श किया है ना, तो कदाचित किया है कदाचित नहीं किया है, बराबर।
ठीक है, और कदाचित स्पर्शता है तो कैसे स्पर्शता है, तो जगन्य से 1, 2, 3 तथा 4 प्रदेश स्पर्शित है जगन्य से, और उत्कृष्ट से 7। ठीक है, उत्कृष्ट से 7 और जगन्य से 1, 2, 3, 4। अलोकाकाश के अग्रभाग में वर्तते आकाश प्रदेश एक धर्मासिकाय के प्रदेश को ही स्पर्शता है। 6 तो देखो अभी आकाशास्ती काय से लोक से 6 हो गया, लोक आकाश को 6 भाग से तो उत्कृष्ट से स्पर्शित करता है, तो अलोक का एक ऐड करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना करंट करंट, आगे लोक धर्मसिकाय को 6 दिशा से स्पर्शित है और लोक को अलोक ने स्पर्शित किया है, तो धर्मसिकाय की बॉर्डर से अलोक भी स्पर्शित हो गया, तो वो एक भाग अलोक का मानना है और 6 लोक का मानना है, तो टोटल 7 हो गए अलोक का भी। हम बोलते हैं ना पासोन, अब अगर कोई पूजा करा तो हम उसको हाथ क्यों लगा देते, जैसे पासोन हो जाए, होता है ना ऐसा। हाँ, तो ऐसे उत्कृष्ट से 7 भाग हो गए और जगन्य से 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अलोकाकाश के अग्रभाग में वर्तित आकाश प्रदेश एक धर्मसिकाय के प्रदेश को ही स्पर्शता है। वक्रगत आकाश प्रदेश, अब जो वक्र आकाश है वो आपको पता है, वो नीचे उतरता है, आपको नीचे उतराता हुआ दिखाई देता है, तो वक्रगत आकाश प्रदेश 2 प्रदेश से स्पर्शित होता है। अलोकाकाश प्रदेश के आगे नीचे और ऊपर ही धर्मसिकाय के जो प्रदेश होते हैं वो 3 से स्पर्शित होता है। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, जो वक्र है टर्निंग वाला, वक्र का मतलब टर्निंग हो गया, अगर सीधा है तो 6 दिशा आ गई, और ऐसे टर्निंग हो तो, ऐसे टर्निंग हो तो अब 6 नहीं आई ना, नहीं आई, तो या तो 2 से होगा या 3 से होगा, या यही बताया। अलोक के आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे धर्मसिकाय के जो प्रदेश होंगे वो 3 से स्पर्शित होते हैं, वो सबसे 6 के 6 7 से स्पर्शित नहीं होंगे, वो 3 से होंगे अगर वक्र होंगे तो। वक्र हो तो 3 ही हुए ना, ऊपर नीचे और साइड पे 3 ही हुए ना, बाकी सब जगह नहीं हुआ। कोण में स्थित आकाश प्रदेश ऊपर नीचे दोनों दिशा में स्थित 4 प्रदेश से स्पृष्ट होते हैं। जो कोण में है वो ऊपर नीचे 2 आ गया, और कोण है त्रिकोण है तो 1, 2, 3 उसके 2 कोने भी आ गए, तो 4 प्रदेश हो गए, कितने हुए 4। इसी प्रकार अधर्मासिका के प्रदेश भी आकाशवासी प्रदेश के 6 प्रदेश से स्पृष्ट होते हैं। अधर्मासिका के प्रदेश भी आकाश की तरह 6 भाग से स्पृष्ट होते हैं। चलो आपको ये समझने के लिए ही है कि जीव धर्मासिकाय को छूता है तो कैसे छूता है, समझ में आया। ऐसे ही आकाश भी अगर धर्मासिकाय को छूता है तो कैसे छूता है, बराबर। आओ, जीवास्थिकाय का एक प्रदेश, अब जीवास्थिकाय की बात की है, जीवास्थिकाय के प्रदेश, ये धर्मास्थिकाय की बात थी, अब जीवास्थिकाय की बात। जीवास्थिकाय के प्रदेश आकाशास्थिकाय के प्रदेशों से लोक की अपेक्षा से कदाचित स्पर्श न करते हैं तो सर्व अनंत प्रदेशों से अवश्य स्पृष्ट होते हैं, और अलोक की अपेक्षा से कदाचित स्पर्श नहीं भी करते हैं, बोलो। अच्छा, अब यहाँ बहुत ईजी है, देखो जीव तो हमेशा अपने अनंत प्रदेश से ही स्पर्श करेगा सबको, धर्मसिकाय को करेगा तो भी अपने सभी प्रदेशों से, फिर अधर्मसिकाय का करेगा तो भी सभी से, तो आकाशास्थिकाय को भी सभी से ही करेगा ना। हाँ, तो उसने अपने आकाश के भी सभी से प्रदेश को अगर उसने स्पर्शित किया है लोक के, अब अलोक का जीव अलोक में तो जाता ही नहीं, तो उसको करेगा स्पर्शित, कदाचित करेगा, कैसे करेगा कदाचित, वाया वाया ना, टच होके, टच होके किया ना,
अलोक लोक को स्पर्शित करेगा, लोक जीवास्तिकाय को स्पर्शित करेगा, तो वाया वाया हुआ एक, बस इसलिए टोटल सात आया। कितना आया? उत्कृष्ट से सात, जगन्य से चार और उत्कृष्ट से सात। क्लियर हुआ? ठीक है। अब पुद्गलास्तिकाय की बाकी, देखो धर्मास्तिकाय की हो गई, अधर्मास्तिकाय की हो गई, आकाशास्तिकाय की हो गई, अब पुद्गलास्तिकाय, ये छह के छह अस्तिकाय की बात है। पुद्गल के प्रदेशों की, धर्मास्तिकाय की प्रदेशों से स्पर्शना। अब जैसे हमारा शरीर छुएगा वैसे ही पुद्गल भी छुएगा ना, बिल्कुल सेम टू सेम, बराबर बराबर। तो जैसे यह जीव अनंत प्रदेश से स्पर्श करता है तो अब पुद्गल भी अनंत प्रदेश से करेगा, बराबर ना? ठीक है, तो ये तो इजी है, उसको जीवास्तिका की तरह ही जानना है। अब काल की बात की है, काल का एक समय धर्मास्तिका के सात प्रदेश से स्पृष्ट होता है। काल का एक समय धर्मास्तिका के सात प्रदेश, अधर्मास्तिका के सात प्रदेश, आकाशास्तिका के सात प्रदेश, जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश, पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश। बोलो यहाँ कोई क्वेश्चन है? काल का एक समय मतलब जो अभी वर्तमान में है वो धर्मास्तिकाय के सात प्रदेश हुए ना, छह दिशा और एक अधर्मास्तिकाय का प्रदेश। जब धर्मास्तिकाय के छह गिनोगे तब अधर्मास्तिकाय का एक गिनना है, मालूम है ना ये? तो टोटल सात हुआ। तो अधर्मास्तिकाय का भी सात हो गया, क्योंकि जब अधर्मास्तिकाय का छुएगा तो धर्मास्तिकाय का भी एक आएगा, आएगा ना? रुकने से पहले चलना पड़ेगा, चलने से पहले रुकना पड़ेगा, तो दोनों में उसका एक एक तो आएगा ही आएगा। मैं चलते चलते ही रुकूंगी और मैं रुकते रुकते ही खड़ी हूं और ही चलना शुरू करूंगी, ये समझ में आ रहा है ये बात? दोनों में धर्मास्तिकाय के छह प्रदेश है तो अधर्मास्तिकाय का एक गिनना है, अधर्मास्तिकाय के छह है तो धर्मास्तिकाय के एक गिनना है। क्लियर हुआ? बस। और काल का एक समय आकाशास्तिकाय के भी साथ ही प्रदेश हो गए, क्योंकि आकाशास्तिकाय आया तो अलोकाकाश भी तो आएगा ही, एक आएगा ना, लोक आएगा तो अलोक भी आएगा, आएगा तो आकाश के भी साथ ही हुए। और जीव के अनंत प्रदेश हुए तो पुद्गल के भी अनंत हो गए। इजी हो गया? बोलो अभी जो वर्तमान समय है वो, उसको मेरा जीव, मेरी आत्मा भी अनंत प्रदेशों से स्पर्शित कर रही है, बराबर? तभी मैं जिंदा हूं। अगर अभी मेरी सांस बंद हो जाए तो वो एक भी प्रदेश को स्पर्शित करेगी समय के? नहीं नहीं, नहीं करेगी। तो जैसे मैं जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश को स्पर्शित है, वैसे मेरे शरीर को भी स्पर्शित है, तभी तो मैं जिंदा हूं। बहुत इजी है समझना, हो गया ना? हाँ चल। तो काल का एक समय जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश से स्पृष्ट है, काल का एक समय पुद्गलास्तिकाय के भी अनंत प्रदेशों से स्पृष्ट है। अब आओ आगे, अद्धा, फिर अद्धा समय काल विशिष्ट अणुद्रव्य को भी अगर अद्धा समय काल कहा जाए तो अनंत अद्धा समयों से भी वो स्पृष्ट होता है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, तो काल के लिए ही है, अद्धा काल समय काल ही है, काल समय और अद्धा काल एक ही है। धर्मास्तिकाय द्रव्य अधर्मास्तिकाय द्रव्य से एक भी प्रदेश स्पर्श कराए हुए नहीं होते, परंतु अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेशों से, आकाशास्तिकाय के असंख्य प्रदेशों से, जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश, पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश से जरूर स्पृष्ट होता है। क्लियर हो गया? धर्मास्तिकाय हमसे जरूर स्पृष्ट है, अगर वो स्पृष्ट नहीं है तो मान लो कि आप जिंदा नहीं हो। जिंदा आदमी सांसोच्छ्वास लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो मतलब आप धर्मास्तिकाय के स्पृष्ट हो और हो, और श्वास लेगा तो धर्मास्तिकाय, छोड़ेगा तो
अधर्म सिखाया, अब वो खाली हो गया ना, स्थिर हो गया, एक सेकेंड फिर से बोलेगा, आओ अब यहां एक और बात है, जहां धर्मासिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होता है वहां धर्मासिकाय के दूसरे प्रदेश अवगाढ़ नहीं होते। जब धर्मासिकाय का एक ही प्रदेश अगर मैं यूज कर रही हूं तो क्या मैं दूसरा प्रदेश को मैं छूंगी, बताओ? जीव के अनंत प्रदेशों को धर्मासिकाय के अनंत प्रदेश चाहिए या एक ही प्रदेश चाहिए? एक ही चाहिए, तो एक ही लेगे ना, वो दूसरे को छुएगा नहीं छुएगा, ठीक है? तो वहां धर्मासिकाय के दूसरे प्रदेश अवगाढ़ नहीं होते, अवगाढ़ मतलब आप उसको छूते नहीं हो, समझ में आया? परंतु जहां धर्मासिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होता है जब आप उसको छू रहे हो तब धर्मासिकाय का एक प्रदेश अवश्य अवगाढ़ होता है। आकाशास्त्री काय का भी एक प्रदेश अवश्य अवगाढ़ होता है। क्लियर हुआ? ना। नहीं थयु? ना। केम? कंफ्यूज। सू कंफ्यूज थयु, बोलो। रिपीट करने। हाँ। जो धर्मास्त्री काय मैं ले रही हूं तो मैं कितना प्रदेश लूंगी? एक ही लूंगी ना, उससे ज्यादा नहीं ना, मैं एक ही ले सकती हूँ। तो जब भी मैं धर्मासिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होगा तो जीव के कितने प्रदेश होंगे? अनंत। मैं मेरे पूरे शरीर से धर्मासिकाय का एक प्रदेश ले रही हूँ। कैसे ले रही हूँ मैं? पूरे शरीर से। तो मेरे पूरे शरीर मतलब अनंत प्रदेश हुए और धर्मासिकाय का एक ही प्रदेश हुआ। ये क्लियर? ये क्लियर? और जब मैं धर्मासिका का एक ले रही हूं तो अधर्मासिका का भी एक हुआ, तब हुआ ना? हाँ हाँ, आओ। अब जब अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश हो, अब ध्यान दो, अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश से, आकाशास्तिकाय के असंख्य प्रदेश से, जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश, पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश से धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश पुष्ट होता है। होता है कि नहीं होता है? होता ही है ना, वो तो सबके सब मिले हुए हैं लोक में। हम लोग ये लोक में ही रह रहे हैं, बराबर? तो एक धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश मेरे तो अनंत प्रदेश से पुष्ट है कि नहीं है? आप शब्द में मत जाओ, खाली समझो। मैं जीवास्तिकाय के अपने अनंत प्रदेश से, मेरे अपने पुद्गल के भी अनंत प्रदेश से मैं धर्मासिकाय के एक प्रदेश को छूती हूँ, ये बराबर? अधर्मासिकाय के एक प्रदेश से छूती हूँ, आकाशास्तिकाय का भी एक ही प्रदेश छू रही हूँ। अब वो लोग, ध्यान दो, वो लोग धर्मासिकाय के असंख्य प्रदेश, अधर्मासिकाय के असंख्य प्रदेश, आकाशास्तिकाय के असंख्य प्रदेश मेरे कितने प्रदेश से छूते हैं? असंख्य से। असंख्य से ही हुए ना। धर्मासिकाय का एक प्रदेश अलग तो नहीं है ना? मैं इसमें से एक घूंट पीऊंगी तो क्या मैंने सब चाय को छुआ कि नहीं छुआ? क्या मैंने उसमें से एक ही घूट ली तो मैं ऐसा बोलूंगी मैंने इतने एक ही प्रदेश को छुआ? आप ऐसा बोलोगे? मैं जब धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को छू रही हूं तो अनंत को छू, तभी तो मैं एक को छू पाऊंगी। आप यहां खाली इतना ही समझाया है कि मैं एक प्रदेश का उपयोग कर रही हूं, बाकी मैं छूती तो अनंत प्रदेश को। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, इतना ही है, बस शब्द पे मत जाओ। क्लियर हुआ? हाँ। आओ,
धर्मास्तिका द्रव्य अधर्मास्तिकाय द्रव्य से एक भी प्रदेश स्पर्श कराए नहीं होते हैं, परंतु अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश से, आकाशास्तिकाय के असंख्य प्रदेश से, जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश से, पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश से जरूर स्पृष्ट होते हैं। ध्यान दो, धर्मास्तिकाय पूरा, अधर्मास्तिकाय पूरा, धर्मास्तिकाय का पूरा प्रदेश अधर्मास्तिकाय के पूरे प्रदेश से स्पर्शित नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी रोटी का लेयर, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखोगे तो क्या उसने रोटी के टच किया है तो क्या उसने सारे के सारे प्रदेश को छू लिया दोनों रोटी ने? नहीं छुआ है, नहीं छुआ है। ऐसा आप समझ सकते हो कि इसने नहीं छुआ है, लेकिन मान लो कि वो रोटी मैंने खा ली, मैंने खा ली, तो मेरे थोड़े प्रदेश ने पूरी की पूरी रोटी के सारे प्रदेश को छू लिया, छू लिया, बस ऐसे ही। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश मैं छू सकती हूँ, लेकिन मेरे तो अनंत प्रदेश धर्मास्तिकाय छू सकता है कि नहीं छू सकता है? मेरे अनंत प्रदेश आकाशास्तिकाय भी तो छू सकता है, क्योंकि मैं उसके अंदर ही तो बैठी हूँ। मेरे तो सब तरफ से, मैं यहाँ से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर जगह से धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय को छू रही हूँ कि नहीं छू रही हूँ? छू रही हूँ, ठीक है। आओ, धर्मास्तिकाय द्रव्य अधर्मास्तिकाय द्रव्य से एक भी प्रदेश स्पर्श कराए हुए नहीं होते, ये मुद्दे पे ध्यान दो। धर्मास्तिकाय द्रव्य अधर्मास्तिकाय द्रव्य से एक भी प्रदेश स्पर्श कराए हुए नहीं होते, मतलब क्या हुआ पता है? 14 राजलोक में धर्मास्तिकाय द्रव्य जहां जहां पूरे 14 राजलोक में ठसा ठस भरा हुआ है, और अधर्मास्तिकाय भी भरा हुआ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं छू रहे। कैसे पॉसिबल है ये? बोलो। अच्छा, आकाश पॉसिबल हो? बच्चे आकाश प्रदेश हो? बच्चे अवकाश अंतर हो, आकाश नहीं। वैक्यूम हो, वैक्यूम, ब्लैक होल बोल सकते हो आप उसको? आप वैक्यूम करते हो ना? देखो, ध्यान दो, मैंने जो वो जो आप भरते हो ना, जो स्विमिंग पूल में जब उतरते हैं तो पाइप में हवा भरते हैं, बराबर, जो आप जो हम बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, लाइफ सपोर्ट, टायर में हवा भर के आप पानी में डालते हो, बराबर बराबर बराबर। अब वो हवा में मैं उसकी बात नहीं करूंगी, रुको। हमारे आगम में एक पाठ आता है कि आप वो जो मशक भरते हैं ना, पानी की मशक आती थी पहले, पता है, पखाली मशक भरते हैं, आप उसमें क्या करोगे, पहले थोड़ा पानी भरोगे, फिर आधा पानी भर के उसको टाइट रूमाल से बांध दो, डोरी से गांठ मार दो, अब उसके बाद ऊपर में हवा भरो, हवा भर के ऊपर भी बंद कर दो, तो आपने वो जो मशक है नीचे पानी से भरा हुआ, ऊपर हवा से भरा हुआ है, बराबर, और बीच में से डोरी गांठ मारी है, अब आप वो गांठ खोल दो बीच वाली, तो अब तो हवा पानी दोनों मिक्स होना चाहिए, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? पर नहीं, क्यों? टच तो हो रहे हैं अभी अंदर, टच तो हो रहे कि नहीं ये बताओ। हाँ, लेकिन क्या मिक्स होते हैं? नहीं। क्यों? अब यहाँ पे एक ही बात समझनी है, दो तत्व कभी भी एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये अजीव द्रव्य है, बराबर, बात हो गई थी पहले, मालूम है? हवा कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, पानी कभी अग्नि में डिसॉल्व नहीं होगा, ये बात हो गई थी पहले। पृथ्वी ऐसे, पृथ्वी आग के गोले में से पृथ्वी हो कैसे सकती है? जमीन कभी आग नहीं बन सकती, आग कभी जमीन नहीं बन सकता, समझ में आया?
तो दो तत्व कभी भी पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, कभी भी एक दूसरे में डिजोल्व होंगे? तो धर्मासिका धर्मासिका कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? क्लियर हो गया? तो अब ये दोनों के बीच में वैक्यूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? आप ये समझो, आप ये समझो कि एक एक कप के अंदर, एक कप के अंदर हवा भी भरी हुई है, पानी भी भरा हुआ है, हवा भी भरी हुई है, पानी भी भरा हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते। इसमें से हवा भी आप अलग निकाल सकते हो, पानी को भी अलग निकाल सकते हो, दोनों एक ही ग्लास में होने के बावजूद। ठीक है, तो ऐसे ही धर्मास्थिकाय और धर्मासिकाय, चौदह राजलोक में धर्मास्थिकाय के प्रदेश भी है, अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश, और अधर्मासिकाय के भी चौदह राजलोक प्रमाण प्रदेश है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को स्पर्शित नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अग्नि और जल एक दूसरे से स्पर्शित हो जाए तो दो में से एक ही जिंदा रहेंगे, बोलो दो जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ठीक है, पानी को भी नहीं। हाँ, हवा और पानी कैसे रहते हैं, तो अलग कैसे कर सकते? हाँ, अलग ही रहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको, आप जब स्विमिंग कर रहे हो ना, ध्यान दो, ध्यान दो, आप जब स्विमिंग कर रहे हो ना तो ऑक्सीजन लेकर पानी के अंदर, दरिये के अंदर नीचे उतर गए, और आप नीचे से आप वो ऑक्सीजन जो आपने बांधा है उससे आप सांस ले रहे हो, तो क्या आप मर सकते हो? आप मरते हो, डूबते हो, बताओ क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, इसीलिए बच रहे हो ना। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए तो आप पानी के अंदर हो, और ऑक्सीजन जाना बंद हो गया तो आप पानी के अंदर ऑक्सीजन के कारण जिंदा हो, तो पानी ने ऑक्सीजन को नहीं डुबोया, नहीं खत्म किया, इसलिए आपके पास ऑक्सीजन है ना। आपके पास ऑक्सीजन कैसे है ये बताओ तो। अगर वो ऑक्सीजन का जो टीन है, डब्बा है, वो पानी अंदर, पानी घुस गया तो ऑक्सीजन पानी के अंदर ऐसे ही खुले में बह गया, तो आप जिंदा रह पाओगे? क्लियर हो रहा है? पानी में जो भी हवा है वो हवा रहती है, इसी तो, यही तो वजह है जो मछलियां अंदर जीती है, उनको वही पानी वाला ऑक्सीजन चाहिए, H2O वाला ऑक्सीजन चाहिए, हमको H2O वाला नहीं चाहिए। बराबर, यही वजह है कि एक दो तत्व एक साथ एक दूसरे को कभी खत्म कर ही नहीं सकते, और खत्म खत्म ही नहीं कर सकते तो छू कैसे सकते हैं बताओ? चलो, छू ही नहीं सकते, तभी तो खत्म नहीं होता है ना। अग्नि और पानी दोनों साथ में रहेंगे, अगर वो छू ही नहीं सकते तो ही वो जिंदा है। अगर छू लिया तो क्या अग्नि दो दो में से एक रहेगा या दोनों रहेगा? बोलो, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर 10 प्रकार के वायु है, पान अपान उदान समान, योग में आता है ना, योगा में आता है कि नहीं आता है? और आपके शरीर में अग्नि है कि नहीं? अगर अग्नि नहीं होता तो आप जिंदा रहते? आपका शरीर टेम्परेचर से 99 रहता नहीं? रहता। तो इतने 99-98 टेम्परेचर में आपके अंदर वायु होनी चाहिए बताओ? शरीर के अंदर के 10 वायु होने चाहिए, बचने चाहिए? पर बचने चाहिए, मैं पूछ रही हूं।
98 डिग्री गर्मी पे कोई भी वायु बच सकता है? बस अब वो ही बचेगा जो अग्नि खाएगा नहीं। क्लियर हुआ? अब बाहर की वायु का मत सोचो, जो बाहर की वायु पवन जो आपके पास आती है ना, वायु में भी 7 लाख वायु काय की योनि है। एक नहीं है ये हवा खाली है, वो वायु नहीं है। खाली हवा नहीं है, वो वायु में भी 7 लाख जीवा योनि है। आप ये हवा को वायु मत समझ लेना प्लीज, ठीक है? आप अगर कहीं आग लगी है, कोयले को जला रहे हो, वो आग में ऊपर पंखा खोलोगे तो हवा से आग बुझ सकती है, पर आपको ये वायु और ये अग्नि नहीं देखना है। जो तत्व डिजोल्व है, वो जिसको आप देख ही नहीं सकते, वो अग्नि की बात चल रही। आप जो देख रहे हो भड़का, वो अग्नि की बात मैं नहीं कर रही हूं। क्लियर हुआ? हाँ, वो अग्नि की बात नहीं है ये। अगर भड़का गैस जैसा अग्नि हमारे पेट के अंदर होता ना, तो हम तो कप के अंदर से जल के मर चुके होते, खत्म हो गया होता सब। एक खाली डेड बॉडी को रखा जाता है 2 घंटे में, तो वो पूरा पाउडर होता है कि नहीं होता है? तो वो अग्नि की बात मैं नहीं कर रही हूं, अग्नि तत्व की बात कर रही हूं, अग्नि के पुद्गल परमाणु की बात कर रही हूं, जो एक 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 अलग अलग परमाणु मौजूद है हमारे शरीर के अंदर। ऐसे ही वायु के भी परमाणु, 10 प्रकार के वायु शरीर में, तो 10ों की काम, उसकी पद्धति सब अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि सबके सब वायु एक साथ तो काम नहीं करते हैं। धनंजय वायु मरने के बाद शरीर में काम करता है, तब तक तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। खाली वायु काम तो 9 वायु ही करते हैं आपके शरीर में, पान अपान उदान समान व्यान, टोटल 9 वायु है जो ये काम करते हैं। क्लियर हुआ? आओ, काल जहां जहां पर धर्मासिकाय का एक प्रदेश अवघाड़ होता है, वहां धर्मासिकाय के दूसरे प्रदेश अवघाड़ नहीं होते, परंतु जहां धर्मासिकाय का एक प्रदेश अवघाड़ होता है, वहां अधर्मासिकाय का एक प्रदेश, आकाश का एक प्रदेश, जीवासिकाय का अनंत प्रदेश, पुद्गल के अनंत प्रदेश जरूर अवघाड़ होते हैं। जब धर्मासिकाय के एक प्रदेश की बात आएगी, तो ये सबकी बात आएगी, यहां ये समझाया है, ठीक है? काल अध्या समय के प्रदेश कदाचित अवगाढ़ होते हैं, कदाचित नहीं भी होते हैं, इस प्रकार से अधर्मासिकाय का भी समझना है। काल अध्या कहाँ नहीं होते अवगाढ़? 2.5 द्वीप के बाहर, और 2.5 द्वीप में वो अवगाढ़ होते हैं, उपयोग में आता है। आकाशास्तिकाय का भी एक ही प्रदेश समझना है, परंतु आकाश में सर्वत्र धर्मादि नहीं होते, मतलब धर्मादि और ये सब आकाश में सर्वत्र नहीं होते, इसीलिए आकाश के प्रदेश के आगे कदाचित धर्मादि के प्रदेश नहीं होते। जीवास्तिकाय के प्रदेश को धर्मास्तिकाय के अनुसार ही समझना है, परंतु उसके प्रदेश के साथ जीव के भी अनंत प्रदेश होते हैं। जीवास्तिकाय, जीवास्तिकाय को धर्मास्तिकाय की तरह समझना। जीवास्तिकाय का मतलब जीव, शरीर सहित जीव, बराबर? तो उसमें जीव और पुद्गल दोनों के अनंत प्रदेश आ गए। चाहे धर्मासिकाय का एक प्रदेश हो, लेकिन जीव के अनंत है, पुद्गल के अनंत, ठीक है? पुद्गलास्तिकाय को जीवास्तिकाय के कहे प्रमाण अनुसार ही जानना है, मतलब पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय के प्रदेशों को एक समान जानना है, उसको आपको अलग नहीं करना है। जहां पुद्गलास्तिकाय के 2 प्रदेश अवगाढ़ होते हैं, वहां यदि पुद्गल के प्रदेश अलग स्थित हो, तो उसकी संख्या के अनुसार ही उसको जानना। पुद्गल के प्रदेश जो मिलकर एक हो गए हो, तो उसको एक ही जानना है, ठीक है? अगर 2 प्रदेश है तो 2 जानना है, अगर 2 मिलकर एक हो गया है तो 1 जानना है। मतलब जैसी पुद्गल की स्थिति है, उस ऐसे उसको आपको जानना चाहिए। जीव पुद्गल तथा अध्या समय के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत ही जानना है।
तीन को अनंत जानना है, किसको? जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है और काल, ये तीन अनंत प्रदेशी है, और धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है एक एक प्रदेशी है। क्लियर हुआ? आकाशास्तिका है भी एक प्रदेशी। जहां धर्मास्तिका है, एक धर्मास्तिका है एक प्रदेश अवगाढ़ होता है, वहां एक भी धर्मास्तिकाय के प्रदेश नहीं होते, परंतु अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के असंख्यात, अनंत नहीं बोले, असंख्यात बोले, क्योंकि धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अनंत आकाश और अनंत अधर्मास्तिकाय को भी छूता है। ठीक है, जब आप अधर्मासिकाय को लेते हो उपयोग में, तो अधर्मासिकाय के अनंत प्रदेश हो, लेकिन धर्मासिकाय का तो एक ही हो रहेगा ना, तब विरोधी तो एक ही रहेगा। ठीक है, उसको ऐसे आपको जानना है। वहां जीवासिकाय, पुद्गलासिकाय और अद्धा के अनंत प्रदेश हो गए। देखो, अधर्मासिकाय का एक है तो धर्मासिकाय के अनंत, जीवासिकाय, पुद्गलासिकाय और अद्धा के भी अनंत। अधर्मासिका, धर्मासिका, अधर्मासिका, आकाशास्तिका के ऊपर अगर कोई पुरुष बैठने, खड़े रहने तथा जमीन पर लेटने के लिए शक्तिमान नहीं होता, ध्यान दो, जहां धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय के ऊपर कोई भी पुरुष लेटना, खड़ा रहना या फिर सोने के लिए, बैठने के लिए शक्तिमान नहीं होते, लेकिन वो स्थान पर अनंत जीव अवगाढ़ जरूर होते हैं। समझ में आई ये बात? ध्यान दो, अधर्मासिकाय, धर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय 14 राजलोक में फैले हुए हैं। क्या मैं 14 राजलोक में उड़ सकती हूँ? मैं बैठ सकती हूँ? मैं घूम सकती हूँ? मैं जाके सो सकती हूँ 14 राजलोक में? बताओ। नहीं, लेकिन 14 राजलोक में अनंत जीव ठास ठास के भरे कि नहीं भरे है? तो यहां हुआ क्या, एक जीव उसको नहीं अड़ छू सकता 14 राजलोक के धर्मास्तिकाय को, लेकिन अनंत जीव जरूर छू सकते हैं। बराबर, निगोद के अनंत गोले भरे हुए हैं, तो जितने भी 14 राजलोक में निगोद के गोले भरे हैं, तो उसमें अनंत अनंत जीव है, तो वो सारे जीव धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय को छू रहे। क्लियर हुआ? जीव, एक जीव धर्मास्तिकाय के एक ही प्रदेश को छुएगा, लेकिन धर्मास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को अनंत जीव मिलके तो छू सकते कि नहीं छू सकते? छू सकते, लेकिन मैं क्या छू सकती हूं? मैं ये धर्मास्तिकाय को पकड़ के ले आऊं, उसको ऐसे छोटे डिब्बी में भर दूं, उसके ऊपर सो जाऊं, उसके ऊपर चढ़ू, नाचू, गाऊं, पॉसिबल है? नहीं। क्लियर हो गया? मुझे एक ही प्रदेश मिलेगा, लेकिन अनंत जीवों को तो उसके अनंत प्रदेश जरूर मिल सकते। निगोद के सभी गोले अगर सांस ले रहे हैं तो किसकी बदौलत? धर्मासिका। और मर रहे हैं तो किसकी बदौलत? अधर्मासिका। और जगह लेकर बैठे हैं तो किसकी बदौलत? आकाशास्तिका। तो ये तीनों को अनंत जीव अनंत रूप से भोग सकते हैं। क्लियर? चलो, इसके लिए एक उदाहरण दिया है, वो उदाहरण मैं आपको एक बार समझा लेती हूँ। जैसे मैंने बताया वैसे ही, मान लो कि एक कमरे के अंदर 1000 दिए जलाए, एक कमरे के अंदर, एक मिनट, एक कमरे में दरवाजा बंद करके 1000 दिया जलाओ, तो वो दियो का जो तेज है, जितना भी तेज है, वो मिलकर एक रूप होके रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसमें कितने जीव है, अनंत है या दो चार गिनती के है? अनंत जीव है। बराबर, अनंत जीव है। आओ, क्या वो एक हजार दिए के प्रकाश के ऊपर क्या मैं जाके सो सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मैं लेट सकती हूँ? नहीं,
प्रकाश पुद्गल होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती, समझाएगा कोई? बोलो वो सारा पुद्गल होने के बावजूद छोटे छोटे परमाणु में विभाजित है, ये बात क्लियर है? जो भी प्रकाश पुद्गल के रूप में अस्थिकाय के रूप में वहां पे कमरे में प्रकाश है हजार दियों का, क्या वो एक मजबूत ऐसा ऐसे पलंग की तरह जुड़ गए हैं क्या? सारे एक एक परमाणु में है ना, तो क्या मैं परमाणु के ऊपर चढ़ सकती हूँ, चल सकती हूँ? मैं क्यों नहीं चढ़ सकती उसके ऊपर? क्योंकि वो छोटे 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 परमाणु के रूप में, कैसे रूप में है वो? वो संगठित होके एक कुर्सी जैसा या मेज जैसा नहीं बना है। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुई? अगर ये सारे परमाणु इकट्ठित हो जाए और एक जड़ कोई पदार्थ बन जाए तो मैं उसको ऊपर चढ़ सकती हूँ, लेकिन हजारों अनंत अनंत परमाणु अलग अलग छोटे छोटे कण में हो तो मैं ऐसे हवा में से हाथ ही घुमाऊं, हजारों पुद्गल परमाणु हो पर क्या मेरे हाथ को वो छू सक, मैं उसको छू सकती हूँ, मेरे हाथ में वो लग सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक पदार्थ नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाँ आओ, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ 1000 दियो का तेज तो रह सकता है। 1000 दियो का तेज मतलब कितने अनंत परमाणु हुए कि नहीं? हाँ, ऐसे ही हमको धर्मासिका धर्मासिका आकाशास्तिका जीवास्तिका के 8 मध्य प्रदेश को समझना है। अब यहाँ नई बात, धर्मास्तिकाय को ऐसे समझो, अधर्मास्तिकाय को ऐसे समझो, आकाशास्तिकाय को भी ऐसे ही समझो, जीवास्तिकाय के 8 मध्य प्रदेश को भी ऐसे समझो। कौन से 8 मध्य प्रदेश बताओ कोई? थी कौन से 8 मध्य प्रदेश कोई बोलेगा? जीवास्तिका के 8 मध्य प्रदेश क्या याद आता है बताओ? हाँ, जीवास्तिका मतलब कौन? मेरा शरीर, मैं, तुम, हर कोई आ गया। जीवास्तिका मतलब बिंदु का शरीर, जीवित बिंदु का शरीर, जीवित काश्मीरा का शरीर, जीवित दक्षा का शरीर, ये जीवास्तिकाय हुआ? कोई भी एक जीवास्तिकाय हुआ? अब मेरे 8 प्रदेश नहीं, 8 आत्मा के रूचक प्रदेश। हमारे 8 रूचक प्रदेश के मामले में क्या क्या जानते हो आप? कोई जानते हो? हाँ, ठीक है। अब ये 8 रूचक, हाँ, आत्मा के 8 रूचक प्रदेश जो कर्म से भर जाते हैं, और वही 8 रूचक प्रदेश के ऊपर से जब कर्म खुल जाएंगे तो 8 अनंत, आप बोलते हो ना अनंत, हाँ अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, वो 8 कर्म को हटाने के लिए हमें अपने 8 रुचक प्रदेशों को खाली करने पड़ते हैं। तो ये 8 रुचक प्रदेश का प्रमाण कितना है, यहाँ बताया है आपको कितना? माप बोली मैं, जीवास्तिकाय के कितने प्रदेश? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रदेश में, और उत्कृष्ट से 8 प्रदेशों में ये समाये हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय के और जीवास्तिकाय के 8 मध्य प्रदेश होते। कितने मध्य प्रदेश होते हैं?
आठ धर्मासिका अधर्मासिका जीवास्तिका जैसे है ना आकाशास्तिका वैसे ही जीवास्तिका के आठ प्रदेश। धर्मासिका 14 राजलोक प्रमाण, अधर्मासिका 14 राजलोक प्रमाण, हाँ आकाशास्तिका 14 राजलोक प्रमाण और जीवास्तिकाय के आठ मध्य प्रदेश 14 राजलोक प्रमाण। क्या मैं जीवास्तिकाय हूं, मैं 14 राजलोक प्रमाण हूं? मेरे अंदर क्या चीज है जो 14 राजलोक प्रमाण है? आत्मा प्रदेश है। आठ आठ आत्मा प्रदेश। क्लियर, ये बात क्लियर। मेरा शरीर 5 फुट 3 इंच का है लेकिन मेरे 8 आत्म प्रदेश 14 राजलोक प्रमाण है। ये एकदम क्लियर बात मैंने क्लैरिटी से बता दी, बराबर बराबर क्लियर हो गया? अरे वो तो छोड़ दे। चलो 8 रोचक प्रदेशों को अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। क्योंकि अब यही पढ़ना है, यही पढ़ना है 8 रोचक प्रदेश, उसके ऊपर से कर्म की कैसे चढ़ना, कैसे ये ढकना, जब आप समुद्घात करोगे तो यही 8 प्रदेशों को फैलाओगे आप अपने शरीर को नहीं फैलाओगे उतना, किसको फैलाओगे? यही आत्मा के 8 प्रदेशों को फैलाओगे। तो इसके लिए हम अगले क्लास में 8 रोचक प्रदेशों पे अभी अटकाएंगे, उसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, बराबर? ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो अगले क्लास में ये रोचक प्रदेश लेके आएंगे, ओके? चलो जय जिनेन्द्र, जय। अभी सीधा शुक्रवार को क्लास, जय जिनेन्द्र।